Hello dear student of 10th class and the student of that competitions NTPC, SSC, Railway Group D और other competitions देने वाले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10th class trigonometry के concept देने वाले हैं आपको, जो basic concept है और जिसके बिना आप ट्रिगोनोमेट्री से हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री से हैं हैरान, उससे हो रहे हैं परेशान, तो आइए कुछ देते हैं दवा जिससे आपके चेहरे पर आएगी मुस्कान। यदि आप CBSE 10th क्लास से हों, जैक बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, या NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हों आप नौकरी लेने के लिए, SSC का एग्ज़ाम दे रहे हों, रेलवे का एग्ज़ाम ग्रुप डी का दे रहे हों, तो यह वीडियो आप तमाम लोगों के लिए खास होने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैथ यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसमें कमी सिर्फ और सिर्फ आप में है, आपको और कोई बड़ा आदमी नहीं बना सकता है, आपको कोई और तेज पढ़ने में नहीं बना सकता है, आपको कोई एक अच्छा मैथमेटिशियन नहीं बना सकता है। सिर्फ एक इंसान आपको अच्छा मैथमेटिशियन बना सकता है, सिर्फ एक इंसान आपके चेहरे पर ला सकता है मुस्कान, बना सकता है आपको महान। वो कौन है? आप टेंशन में होंगे कि सर जल्दी जल्दी नाम बता दीजिए ताकि उसके पास मैं जाऊं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बाबू, नहा धोवा करके आईने के सामने जाकर खड़े हो जाना और उसमें जो दिखाई देगा वही इंसान आपको महान बना सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, सतत प्रयास ही पूरा करेगा आपका आस, करो मेरा विश्वास। सिर्फ नहीं होगे पास, बनोगे मैथ में खास। नो क्रीम नो पाउडर, नो फेयर एंड हैंडसम, नो फेयर लवली, नो काजल नो क्रीम, मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट, वनली प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज से आप प्रैक्टिस करेंगे और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि आपको सफलता हासिल न हो जाए। आइए चलते हैं डियर ट्रिग्नोमेट्री की ओर। मैं US चौबे 33 वर्षों से नौजवानों के दिमाग को पढ़ने का मेरा एक्सपीरियंस है और उनको सफल बनाने का मेरा एक्सपीरियंस है। हजारों विद्यार्थी आज पढ़ करके आगे जा रहे हैं। ये मेरा 10th क्लास का पहला वीडियो है, 10th, 9th, 8th मैं वीडियो में जरूर बनाऊंगा। यह वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर आप कमेंट करेंगे, और अगर इसी तरह का फाउंडेशन वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, चलते हैं हम लोग, देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है। देखो, जिस प्रकार से विद्यालय दो शब्दों से बना हुआ है, विद्या और आलय, जिस प्रकार से हिमालय दो शब्दों से बना हुआ है, हिम जोड़ालय, विद्या जोड़ालय, आलय मतलब घर, विद्या जो आप 10th तक पढ़ते आए हैं, आप MA तक पढ़े हैं, BSc तक पढ़े हैं, 8th तक पढ़े हैं, आलय मतलब घर, हिमालय, हिम मतलब बर्फ का घर। जिस प्रकार से ये सभी जोड़ न्यायालय दो शब्दों से बना हुआ है, इन द सेम वे डियर ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज योर ट्राई, सेकेंड वर्ड इज योर गोनो, एंड थर्ड वर्ड इज योर मैट्री। ट्राई मीन्स थ्री होता है, जिस प्रकार से हिंदी का गिनती होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंग्लिश का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे, हायर क्लास में जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मोनो मीन्स एक होता है, डाई मीन्स दो होता है, ट्राई मीन्स थ्री होता है। तो ये ट्राई बना हुआ है, ट्राई मीन्स थ्री होता है, गोनो मीन्स साइड होता है, एंड साइड मीन्स भुजा, कहीं कहीं इसका मतलब एंगल भी दिया हुआ है डियर। चलिए साइड और एंगल लिख देते हैं। एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट होता है जी, मेजरमेंट मीन्स माप। अब देखो, थ्री साइड्स मेजरमेंट या थ्री एंगल मेजरमेंट, तो थ्री साइड्स कहाँ होता है? ट्रायंगल में होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री मैथ का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग
ट्रायंगल की थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड करते हैं या उसको क्या करते हैं तो मेजर करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट और रिलेशनशिप्स बिटवीन थ्री साइड्स और थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लें। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स यही नहीं है, बहुत सारे मैथमेटिक्स पढ़े हैं आप, मेंस्ट्रुएशन पढ़े हैं, ज्योमेट्री पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, इसके बाद आप कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़े, अलजेब्रा पढ़े, तो मैथमेटिक्स अगर पूरा पेड़ है तो उसका एक शाखा है, ब्रांच। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट और रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के तीन भुजाओं या तीन कोण की माप या उनके बीच में आपस में संबंध स्थापित करते हैं। तो बात आ गई है जब ट्रिगोनोमेट्री की और ट्रायंगल उसमें आ गया है, तो आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। फर्स्ट नॉलेज, अब देखो एक ट्रायंगल में बना रहा हूं, सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ए बी एंड सी, जहां पर बी हमारा राइट एंगल है, मतलब समकोण है, 90 डिग्री है, और ए और सी हमारा एक्यूट एंगल है, मीन्स न्यून कोण है। अब देखो बहुत बच्चे इसमें मिस करते हैं, हो सकता है आप भी मिस कर रहे होंगे, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जरा बताना आप कि इस एंगल को लूं, अगर मान लो ये एंगल थीटा हमारा है तो इसमें पी कौन होगा, मतलब परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और हाइपोटेनस कौन होगा। अब बहुत बच्चे अक्सर याद करके रखते हैं कि भैया ये पी होगा जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर है, जो पड़ा है वो बेस है, और ये बड़ा वाला हाइपोटेनस है। अगर आप भी, आपको भी यही जानकारी है तो आप गलत हैं सर। जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने का साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इस एंगल को इस एंगल को ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर जिस पे होता है वो बेस होता है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर हिंदी में लंब, बेस आधार, हाइपोटेनस कर्ण है, ओके। लेकिन अगर इस एंगल को हम लोग लेते हैं, एंगल ए ले रहे हैं यहाँ पर, थीटा जो हमारा ए है, अगर एंगल सी को ले लें आप, अगर मेरे प्यारे टाइगर्स ऑफ टेंथ क्लास अगर इस एंगल को लेते हैं आप, देखो टेंथ की शुरुआत भी डियर टी से होती है और टाइगर की शुरुआत भी टी से होती है, तो टाइगर बनना है तो टेंथ के कॉन्सेप्ट को पूरा करोगे राइट तभी रहोगे टाइट डे हो या नाइट, ओके। लाखों विद्यार्थियों, 33 वर्षों मैंने लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाया और तमाम सबूतों एवं गवाहों से मैंने ये देखा कि 11th 12th या NDA एयरफोर्स JEE मेंस ने भी वही बच्चे निकालते हैं जिनका टेंथ टू टाइट होता है और जो बच्चे टू राइट होते हैं। इसी को देखते हुए मैंने 10th 9th का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, ओके। और अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा कि सर चलिए आगे बढ़ते चलिए, अच्छा लगता है, ओके। अगर इस एंगल को लेते हैं आप, इस एंगल को लोगे तो ये मेरा पी हो जाएगा, जिस एंगल को लोगे उसके सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, ओके। ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, ये पहली बात है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का पूरे कॉन्सेप्ट का खात्मा करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 बताएंगे आपको। सेकंड होता है डियर, ये पी बी और एच में आपस में रिलेशन होता है, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, ये पहले भी पढ़ चुके होंगे आप। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है डियर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। या इसी को लिख सकते हैं आप, एच स्क्वायर इतना है तो एच हो जाता है डियर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यहां से निकाल सकते हो और फॉर्मूला। अगर कोई पी स्क्वायर पूछता है आपसे तो बी स्क्वायर उधर जाएगा, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइड हियर यू कैन से दैट पी इज योर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज योर सेकेंड। अगर बी स्क्वायर यहां से निकालना चाहें आप तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सो बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आज हम डालेंगे वैसे सभी अच्छे अच्छे कंसेप्टों पर नजर, जहां से जनरल विद्यार्थी रहते हैं बेखबर, आप इसको नोट डाउन करें एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। नाउ डियर्स, थर्ड थिंग्स देखिए क्या है। आज हम वैसे सारे जितने भी अटक मटक लटक आपके दिमाग में होंगे, जो आपको परेशान करते होंगे, हैरान करते होंगे, उन सभी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करूंगा, और हमारा प्रयास, आपका विश्वास हम दोनों को सफलता की ओर ले जाएगा। अब देखो, इसमें मैं थर्ड थिंग बताने जा रहा हूँ आपको, तीसरा चीज। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग इसमें साइड्स एंगल को मेजर करते हैं। जैसे जमीन को मापना हो तो वहाँ अमीन होता है जो जरीब रखता है, कपड़ा लेने जाते हैं वहाँ पर भी वो इंस्ट्रूमेंट रखता है, आपके पास भी जब बच्चे होंगे तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता होगा जिससे आप मेजर करते होंगे, इंच फीट मीटर सेंटीमीटर होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हमारे पास भी जब मेजर करना है तो हमारे पास भी छः इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, ओके, हिंदी में उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब देखिए, हम थर्ड में बताने जा रहे हैं क्या क्या हमारा वो ट्रिगोनोमेट्री में औजार है, और ये औजारवा नहीं जानोगे ना तो दब फेल हो जाओगे जी। पहले इसी का कॉन्सेप्ट जानो क्या है, ये सब राज तो यहाँ छिपा हुआ है जो अभी आपका पूरा क्लियर होने जा रहा है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं इसको, आर ए टी आई ओ है जी, या इसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। अब देखना, पहला हमारा होता है डियर साइन, जो भी एंगल लेना हो आपको, चलो अभी मैं थीटा लेता हूं, बाद में फिर एंगल लेकर मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। इसके बाद कॉस, उसके बाद टैन। आप जानते ही वो दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके अगर फैमिली होते हैं, तो साइन का दोस्त है डियर, इसका दोस्त का नाम है कॉसिक। कॉस के दोस्त हैं उसका नाम है सेक, और टेन का भी वो कहा कि जब सब कोई फ्रेंड बना रहा है, आप लोग भी तो बनाए होंगे जी, या बनाने की कोशिश में होंगे, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और झूठ बोलने वाले बच्चों को माता पिता से भी प्यार नहीं होती। कितना दिन झूठ बोलोगे अपने माता पिता से, मोबाइल देख रहे हैं, पिताजी आए क्या कर रहे बाबू, अरे पापा इसमें तो मैं सर का वीडियो देख रहा था, अभी प्रचार आया है, ऐसा नहीं करना। आप की मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है, ओके। अब देखो क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है टेंट, क्या होता है कॉसेक सेकेंड कॉट, इसको बोलते हैं जया कोजिया एंड स्पर्शजया, हिंदी में बोलते हैं। साइन थीटा जो होता है हमारा पी और एच का रेशियो होता है, ओके। मान लो यही थीटा हमारा है, अभी इसको हम और तरह से एक्सप्लेन करेंगे, पूरे कंपटीशन लेवल तक मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं इसका फाउंडेशन कोर्स नाम ही रखा हूं, और मेरा पहला वीडियो है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, अगर अच्छा लगेगा तो, बुरा लगेगा तो मैं नहीं, सपोर्ट भीख में नहीं मांग रहा हूं डियर आपसे। साइन का दोस्त जो होता है ये बोलता है कि भैया देखो, हम सेम दोस्त नहीं बनाएंगे, हम पॉजिटिव हैं तो निगेटिव भी बनाएंगे, मतलब तुझे मेरा उल्टा रहना पड़ेगा, मतलब ये पी बाई एच है तो ये क्या होता है जी, एच बाई पी, उल्टा होता है। कॉस थीटा है, ये बी और एच का रेशियो होता है, आपको मैं बता दिया हूँ, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होता है जी, ये बेस होता है जी, ये हाइपोटेनस होता है जी, ओके, लंब आधार कर्ण परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। सेक बोलता है कि कॉस बोलता है कि तू मेरा दोस्त है, तुझे मेरा उल्टा रहना पड़ेगा, मैं अमीर हूँ तुझे गरीब रहो, या गरीब लोग अमीर को दोस्त बनाते हैं ताकि उससे कुछ मिल सके हमें, तो ये होता है हमारा जी एच बाई बी।
ये हमारा होता है पी बाई बी, तो ये हो जाता है बी बाई पी। ओके, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई बी, याद रखना। अब देखो ये क्या है, ये देखो है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। एक पंडित जी थे बद्री प्रसाद नाम था उनका, जो हमेशा हरी हरी तो बोलते थे लेकिन वो सोना चांदी तोलते थे। आपको सर क्या है सर, इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। एस इन साइन, साइन मीन्स पी बाई एच, देखो आपके सामने। कॉस, सी मीन्स कॉस, कॉस मीन्स बी बाई एच, जो आपके सामने है। और टी मीन्स टेन, टेन मीन्स पी बाई बी, दिस इज योर। ओके, थैंक यू। एंड नाउ डियर, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको, अब इसमें एंगल लेकर एयर एंगल रहेगा तो क्या करेंगे। अब जान ही रहे कि ए लेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, अगर सी लेंगे तब तो ये सही है। ओके, तो वो कैसे कैसे होता है प्लीज इसको आप नोट डाउन करें। नाउ डियर, देखते हैं हम लोग कि अगर साइन ए पूछे ये एंगल ले, साइन ए कॉस ए टेन ए तो क्या होगा, और ये एंगल ले साइन सी कॉस सी टेन सी तो क्या होगा। कहोगे सर बी क्यों नहीं ले रहे हैं, अरे भैया तो बी तो 90 डिग्री है, वो इस वो तो एकदम नॉन एंगल है। तो अब देखो मैं बताया अभी आपको डियर कि जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर जाता है जी। चूँकि अभी हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हमारा ये बी सी जो है हमारा परपेंडिकुलर हो गया जी। और परपेंडिकुलर जिस पे होता है वो हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाता है। तो जब साइन ए हम लोग लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो हमारा पी कौन हो गया डियर बी सी, और एच कौन हो गया हमारा ए सी। ओके, जब कॉस ए लेंगे तो कॉस हमारा होता है बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी कौन हुआ हमारा, बी हमारा ये है, तो क्या नाम है उसका डियर ए बी बाई ए सी। और टेन हमारा पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है, मीन्स हमारा हो गया डियर बी सी बाई ए बी, ये हमारा हो गया ए। बट अगर आपको सी एंगल लेना हो तो मामला कुछ बदल जाएगा, आइए उसका अलग फिगर बना देते हैं। अगर आप सी एंगल लेना चाहते हैं, आपकी चाहत है, तो चाहत पूरी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, लेकिन पूरी होगी। आइए देखते हैं हम लोग, जब सी एंगल ले रहे हैं डियर हम लोग, तो मैं क्या बताया ए एंगल लिया था तो ये परपेंडिकुलर हुआ था, लेकिन चूंकि हम लोग को सी एंगल निकालने के लिए बोला है यार, तो यहाँ पर हमारा ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी, तो एच हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही होगी, क्लियर कट बात होगी। ओके, अब देखो अभी बहुत सारे फार्मूला बताने जा रहे हैं, अभी तो मैं उसके जड़ में हूँ जी, ठीक है। अब बहुत लोगों का जड़ ही मतलब नींव ही खराब होता है, जब किसी मकान का फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा तो उस पर बहुमंजिले इमारतें नहीं बनाई जा सकती हैं। तो अगर आपको आगे हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, अच्छा कंपटीशंस निकालने हैं, तो भाई देखो टेंथ का और नाइन्थ का पूरा बेस कंप्लीट होना चाहिए, और पूरे बेस को कंप्लीट करने के लिए ही पलामू साइंस सेंटर US मैथ्स मैजिक चैनल के द्वारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका ये पहला वीडियो है और हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। ओके, मैं बहुत धन्य हूँ कि पहली बार में ही आपसे मुलाकात हो गई। एक शायरी सुने ही होंगे आप लोग, ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती, कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना यूं ही हम दोनों की मुलाकात नहीं होती। तो आइए, मुलाकात हुई है तो कुछ बात भी होनी चाहिए, चलते हैं हम लोग डियर कुछ नई चीज़ की ओर। अब साइन सी लेंगे, साइन तो हमारा क्या होता है जी पी बाई एच, पी हमारा ये हो गया, क्या नाम है उसका ए बी बाई ए सी। कॉस सी लेंगे, कॉस हमारा बी बाई एच होता है, बी हमारा बी सी हो गया, और एच तो वही ए सी है। और टेन हमारा पी बाई बी होता है, तो पी कौन हो गया ये इसका नाम है ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन चीज। ओके, ये थर्ड नंबर।
इसको आप नोट डाउन करें, आप उसको लिखते जाइए। आप याद रखना, कॉपी लिखने से नहीं, किस्मत लिखने से काम होता है डियर, ठीक है? तो इसको समझते भी जाएं आप, लिखते भी जाएं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन प्लीज, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ डियर्स, फोर्थ फर्स्ट बूस्टर डोज मैंने दे दिया, सेकेंड बूस्टर डोज दे दिया, थर्ड दे दिया, अब ये फोर्थ बीडी मीन्स बूस्टर डोज। ओके, बढ़का धमाका। अच्छा आप बताओ, आप किसी से दोस्ती की हो तो दोस्त मिलकर एक होते हैं, लड़ाई करते रहते हैं? भगवान ने करे आपको आपकी दोस्त से लड़ाई हो, दोस्त मिलकर एक होते हैं, यहाँ पर भी वही बात होता है। साइन अपने दोस्त के साथ मिलकर, मतलब कौशिक के साथ मिलकर एक होता है जी, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अभी मैंने बताया था साइन का दोस्त कौशिक होता है, कौश का दोस्त सेक होता है जी, कौश इंटू सेक थीटा इक्वल टू वी वन होता है। और टैन भी अपने कहता है कि जब सब कोई दोस्त के साथ मिलकर एक हो रहा है तो हम काहे को करें लड़ाई, कि कोई ना करे हमारा बड़ाई, तो वो भी नहीं करता है लड़ाई और आ जाता है अपने दोस्त के साथ और मिलकर एक हो जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर आप अपने से कहानी कैसे बना दिए, कैसे ये वन होता है? तो आओ डालते हैं कुछ चीज़ों पर, वैसे वैसे चीज़ों पर ही नज़र, जहाँ से आप या विद्यार्थी रहते हैं बेखबर। आइए हम इसको करते हैं प्रूफ। बहुत मस्ती आने वाला है डियर। ओके, हमें अफसोस है कि टेंथ क्लास के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे आप जैसे विद्यार्थियों से मैं इंटरेक्ट नहीं हो पाया। ओके, आइए। होता क्या है कि बच्चे टेंथ किए, आईए किए, आईएससी किए, आईकॉम किए, बीए किए, बीएससी किए, बीकॉम किए, जब गए कंपटीशन देने तो पता चला कि बाबू का तो ये नीचे वाला चीज़ ही खराब है जी। खराब नहीं है, नीचे वाला पूरा गमक रहा है। नीचे वाला मीन्स टेंथ नाइन्थ गमक रहा है, बताओ कैसे काम होगा? ओके, ये सब टाइट कर लेना जी आप लोग। तो टेंथ के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखो काम जब तक आप नहीं करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। एक मैं बनाता हूँ, दो आपको बनाना होगा। मैं आपको उस लायक बना दूंगा, आप बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना हमको कि सर, ज़्यादा नहीं लिखना है। HD हो गया सर लिख देना, या दोस्ती मानते हो गए तो HGF लिख देना। ओके, हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो नाउ डियर प्रूफ फर्स्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड, या आज से LHS लीजिए हमारा सेवा। चलते हैं हम लोग, हमारा LHS है फर्स्ट का, ये साइन फर्स्ट मैं बना रहा हूँ डियर, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा। काहे को दर्द जब सामने हो ऐसा मर्द, आप जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है डियर P/H, अभी मैंने बताया था। और कौशिक जस्ट उसका उल्टा होता है, H/P होता है, P/P कैंसिल हो गया, HH कैंसिल हो गया जी, और ये हमारा आ गया डियर वन, एंड नाउ दिस इज योर RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लीजिए हमारा सेवा और रहिए हमारे साथ। फर्स्ट मैंने कर दिया, कहो सर एक नीचे वाला भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं डियर, आपकी फरमाइश मेरी ख्वाहिश है जी। थर्ड भी मैं प्रूव कर देता हूँ। आज हम बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाले हैं। ओके, और ये सीरीज जब जारी रहेगा, ओके, होते रहेगा डेली मुलाकात, दिन हो या रात, बनेगी बहुत सारा बात। तीसरा है डियर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज योर LHS। आप जानते हैं टेन थीटा होता है डियर P/B, अभी मैं लिखवाया हूँ, आप उसको लिख करके रखो कॉपी में और देखते रहो। एंड कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है डियर B/P, एंड नाउ दिस कैंसिल, नाउ दिस कैंसिल, दिस इज वन वन इंटू वन, नाउ दिस इज RHS। ओके, अब देखिए ये तीनों से एक अलग और भी फॉर्मूला बनता है। अब वो क्या फॉर्मूला बनता है, अब इधर देख लीजिए आप जरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही तीनों से तीन और लोगों फॉर्मूला का जन्म होता है। फोर्थ देखना, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इक्वल टू वन है तो कौशिक कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो कौशिक थीटा हमारा हो जाता है 1/sin θ। देख लो, कौशिक 1/sin, या साइन इक्वल टू 1/cosec भी हो जाएगा। यहाँ पर 5 बनता है डियर सेक इक्वल टू 1/cos,
एन ऑडियर कॉट इक्वल टू 1/10। तो आप बूस्टर जो 4 नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट बूस्टर डोज नंबर 5। दैट इज प्लीज नाउ नाउ डियर बूस्टर डोज नंबर 5। देखो क्या है, चलते हैं हम लोग पांचवा की ओर। देखो फॉर्मूला होता है डियर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करोगे आप तो टेन थीटा होता है। देखो होता क्या है कि बच्चे, जैसे आप सोचो कोई लड़ाई के मैदान में चला गया और उसके पास औजार ही नहीं है, उसके पास न गन है न राइफल है न लाठी है न डंडे हैं, तो फिर उधर से मरा के आएगा ना। लेकिन अगर उसके पास औजार है, वेपन्स हैं, तो वो मार के आएगा। तो ऑल रूल्स आर द वेपन्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि वो फार्मूला को समझते नहीं हैं, उसके कॉन्सेप्ट को, और एक्सरसाइज में डायरेक्ट प्रवेश करते हैं। तो एक्सरसाइज मतलब युद्ध का मैदान हुआ, क्वेश्चन मतलब उसका दुश्मन हुआ। तो दुश्मन को आप तो मार तो नहीं पाओगे, उधर से मरा के आओगे। तो आपको सोचना है कि आपको मारना है कि मरवाना है। अगर मरवाने वाले विद्यार्थी होंगे आप तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। फिर तो फिर एनडी ले लीजिए आप। बहुत बच्चे बोलते हैं सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो लंबा तो होगा डियर, ओके। नहीं तो फिर डायरेक्ट फिर एनडी खरीदो आप, उसको बना लो, रट लो फिर, ओके। कंपटीशन लेके नहीं निकलेगा, पास हो सकते हो लेकिन खास नहीं हो सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो कैसे होता है, बात यहाँ उठती है कैसे होता है। तो एक मैं प्रूव करता हूँ डियर, एक आप प्रूव कर देना। फर्स्ट मैं प्रूव कर देता हूँ, इसके बाद वाला तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। अब देखो LHS हमारा है डियर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। काहे को दिक्कत, सब चीज़ मैंने दे दिया है जी आपके पास। अब जब सारा फार्मूला ही है आपके पास तो काहे को बैठना है उदास, आओ ना मेरे पास। साइन थीटा है P/H और कॉस थीटा हमारा है डियर B/H। दिस कैंसिल एंड ये हमारा हो गया डियर P/B। और आप जानते हैं कि P/B टेन थीटा होता है। तो ये क्या हो गया जी, तो टेन थीटा एंड नाउ दिस योर RHS। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, जरूर बताएंगे कैसा लगता है जब हम आप मिलते हैं मैथमेटिक्स में। एंड नाउ डियर बूस्टर डोज। देखो मोदी जी दे रहे हैं बूस्टर डोज बूढ़े लोगों के लिए, लेकिन वो वाला बूस्टर डोज काम नौजवानों को ना करेगा, नौजवानों को काम तो ये बाबा वाला करेगा जी। अब देखते हैं हम, बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का होल स्क्वायर कह दो, कुछ बच्चे कहें क्यों कह दो, तो चलो मैं बहुत बहुत इन्फिनेटिव कर देता हूँ जी, ओके। अब देखो ये तीन फार्मूला है, तीन में मैं एक प्रूव करूँगा, तीनों एकदम याद रख लेना डियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ओके। आज ये सब फार्मूलाओं के जस्ट बाद मैं बताऊंगा 0° to 90° का टेबल कैसे आप एक सेकंड में याद, देखते देखते हो जाएगा, कैसे आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। कैसे याद कर सकते हैं आप, ये 1 होता है। एक को मैं प्रूव कर रहा हूँ, बाकी को आप कर लेना, ओके। नहीं होगा कमेंट बॉक्स में लिखना जी कि ये कर दीजिए सर, मैं ज़रूर कर दूंगा। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं डियर 7488086785 7488086785, ओके। 786 नहीं है डियर, 785 है ये, ओके। अब देखो फर्स्ट मैं प्रूव करता हूँ डियर, फर्स्ट का हमारा LHS है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखना है साइन थीटा हमारा होता है डियर P/H, तो स्क्वायर थीटा है इसलिए P²/H स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा हमारा होता है B/H, तो ये हमारा हो जाएगा B²/H² हो जाएगा जी। अब देखो आप, ये हमारा हो गया H² LCM और ये हो गया P²+B² और अभी मैंने बताया है जस्ट कि P²+B² हमारा H² होता है, H²/H² नाउ दिस कैंसिल 1 आ गया, नाउ दिस योर RHS। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एंड इसको नोट डाउन करें डियर, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंटास्टिक मजा फुल कॉन्सेप्ट
फॉर द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास एंड स्टूडेंट हु आर रियली सीरियस फॉर NDA JEE मेंस एयरफोर्स SSC एंड NTPC रेलवे ग्रुप डी. नाउ डियर, दिस इज योर फर्स्ट फाउंडेशन क्लास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास. एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल 0 to 90 degree आज हम याद करने के झंझट से आपको दूर करते हैं, कराते हैं. बस थोड़ा सा समझ लेना जी. कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होती, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, और आकर मेरे साथ कुछ कॉन्सेप्ट तो तैयार करो यारो. ओके, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. जीरो, 30, 45, 60 and 90. ओके, 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. देखो एक तो याद करने पड़ेंगे जी आपको. ओके, ट्रिक देखिए, एक कर लोगे याद तो सब हो जाएंगे बर्बाद, आप हो जाओगे आबाद. अगर आएगी आपको मेरी याद तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. इसको देखो आप एक्सरसाइज 8.1, अभी इसके जस्ट बात वाले वीडियो में मैं बताऊँगा. ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके. देखो साइन जीरो, एक केवल याद करो जी, 0 ½ 1/√2 √3/2 एंड नाउ दिस योर 1. अब ऐसे याद करो, याद नहीं होता है तो बच्चे क्लास में तो पढ़े होंगे. एक तो याद करने में मौसा का नाम याद किए, मौसी का किए, भैया का किए, पापा का किए, मम्मी का किए, बहुत लोग गांव घर का किए, पूरा मोहल्ले का नाम याद कर लिए बहुत लोगों का, तो ये 5 लोगों का नाम तो याद हो सकता है. पांडव जो मर गए कभी, अब यहाँ पर है नहीं, उनका भी भाइयों का नाम याद किए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो ये तो हमारे काम की चीज़ है ना. ये पांडव आप ही के हैं. देखो 1 2 3 4 5, एक याद कर लो, 0 ½ 1/√2 √3/2 and 1. क ख ग घ अंग, अब उलट के मार दो, अंग घ ग ख क, 1 से शुरुआत करो जी. यहाँ पर 1 √3/2 1/√2 1/2 and 0. और 10 अभी तो मैंने बताया डियर कि 10 थीटा जो हमारा होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है. तो 10 जो हमारा हो गया साइन बाई कॉस, 0/1 क्या हो गया, 0 याद रखना, 0/any number, कोई भी नंबर हो तो 0 होता है. लेकिन भैया अगर कहीं नंबर ऊपर चल जाए तो गड़बड़ हो जाती. जैसे आप बस पे हो, अगर बस पे जो बस मतलब कहीं जा रहे हो, आप अगर बस पे हो तो बात अलग है, लेकिन बस कहीं आप पे हो जाए तो बात अलग हो जाएगी. तो ये होता है डियर इन्फाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है, जिसको नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे आप. तो 0/1 0 हो गया जी. इसको साइन बाई कॉस इसको डिवाइड करोगे, 2 2 कट जाएगा जी, 1/√3 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा जी, तो 1 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा जी, √3 हो जाएगा, ये 1/0, तो एनी नंबर बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा डियर. ओके, तो एक्सरसाइज 8.1 का थ्योरी समाप्त हुआ डियर. अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास में बताऊंगा. मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. फिर मिलेंगे हम लोग इसी मूड के साथ नेक्स्ट वीडियो में. इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. बाय.